हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस। टुडे विल बी डिस्कस ऑन सार्क। व्हाट इज सार्क? सार्क मींस साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इट मींस क्या है कि जो हमारा एशिया है, ठीक है, हमारे क्या है, जो एशिया है, एशिया के अंदर जो साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, जो नीचे की साइड जो डायरेक्शन है एशिया के अंदर साउथ डायरेक्शन है, उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं, उन्होंने मिलकर क्या है, अपना एक एसोसिएशन बनाया, अपना एक संगठन बनाया, ताकि वो क्या है, इस संगठन के अंदर मिलकर अपना जितना भी उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर जो भी उनकी ट्रेडिंग है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, वो सब क्या है इसके अंदर अपना कर सके, ठीक है। तो हमारा सार्क का मेन, पहले तो इसकी हम यही देख लेते कि सार्क हमारा किसको स्टैंड करता है। सार्क है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, जो भी साउथ एशिया के, ठीक है, साउथ एशिया के क्या है, जो रीजन है, मतलब जो क्षेत्र है, उन्होंने क्या है एसोसिएशन बनाई, किस लिए, कोऑपरेशन के लिए, मतलब क्या है, सहयोग के लिए उन्होंने क्या अपना एक रीजनल जो एसोसिएशन है वो साउथ एशिया ने मिलकर बनाई, ठीक है। तो हमारा जो साउथ जो सार्क है हमारा सार्क का पहले तो जो बनाया किस लिए गया था, ठीक है, सार्क को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी गई थी। तो सार्क हमारा मेनली किस लिए बनाया गया था, फर्स्टली क्या था, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जो सार्क है, सार्क को बनाने के पीछे मेन रीजन ये था कि जो इकोनॉमी है एंड जो सोशल है उनको क्या है डेवलप किया जाए, ठीक है, क्या है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारे सार्क का जो मेन बनाने के पीछे जो मेन एम था या जो इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ताकि जितनी भी कंट्रीज है जो साउथ एशिया के अंदर आती है वो सब क्या है मिलकर अपनी एक संस्था बना सके, जिससे क्या है उनकी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो क्या है डेवलप हो सके, एंड जो उनका सोशल जो कल्चर है, एनवायरमेंट है, वो भी क्या है डेवलप हो सके, ठीक है। तो हमारा क्या था सार्क का जो मेन एम था, फर्स्टली सार्क क्यों बनाया गया था, इस एम को मद्देनजर रखते हुए हमारा क्या है सार्क बनाया गया था। तो फर्स्टली क्या हमारी जो सार्क है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी सार्क की ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट हमारा है प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। जो भी सार्क जो है हमारा साउथ एशिया है उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज आती है जो उनके पीपल है, ठीक है, उनको डेवलपमेंट के लिए क्या है हमारा सार्क बनाया गया, ताकि जो लोग है उनकी क्या है जो लिविंग है, लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है हाई हो सके, और उनके जो रहन सहन का जो तरीका है, ठीक है, वो भी क्या है डेवलप हो सके। सेकंड हमारा क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने आपको बताया कि फर्स्टली क्या था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो हमारा सार्क है इसका जो ऑब्जेक्टिव था ये क्या था हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा जीडीपी इंक्रीज होगी, अगर जीडीपी इंक्रीज होगी तो क्या है पर कैपिटा इंक्रीज होगी, और इससे क्या है लोगों की जो लिविंग है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। थर्ड हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट, इसके अंदर क्या बनाया गया है, इसके अंदर ये कि जो हमारी सोशल जो हमारी है कल्चर है, इसके अंदर जो सार्क है हमारा, ठीक है, क्या हमारा जो सार्क है, सार्क के अंदर जितने भी हमारे मेंबर्स आते हैं वो क्या है उनका आपस में क्या है म्यूचुअली ट्रस्ट होता है। इट मीन्स क्या है कि उनके आपस में जो रिलेशन है एक दूसरे से को लेकर, एक दूसरी कंट्रीज को लेकर, वो क्या है अच्छे डेवलप होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या था मेंटेन पीस इन रीजन, ठीक है, जैसे कि क्या है पीस का मतलब क्या है शांति, ठीक है, जो भी हमारे रीजन है जो एरियाज हमारी कंट्रीज है उनके बीच क्या है शांति बनी रहे। जैसे कि हमारा अपने आपको पता है कि जो हमारा इंडिया है वो एंड जो पाकिस्तान है इनके बीच आए दिन क्या है वॉर चलती रहती है, ठीक है, छोटे मोटे इनके क्या है अटैक आपस में होते रहते हैं। जो सार्क का मेन एम क्या था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारा जो रीजन है हमारे, ठीक है, जो सार्क एशिया है जो हमारा उसके जो रीजन है उनके अंदर क्या है पीस या फिर शांति को बनाए रखना, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कॉमन इंटरेस्ट, इट मीन्स क्या है कि जो हमारे सार्क के अंदर जो नेशंस है, ठीक है, जितने भी हमारी कंट्रीज है उनका जो है इंटरेस्ट है वो क्या है कॉमन होना चाहिए, मतलब कि उनका सेम एम होना चाहिए, ताकि क्या है लोगों के जो लाइफ में क्या है वो इम्प्रूवमेंट हो
एंड उनकी क्या है जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, उनकी मेडिकल फैसिलिटी उनको इम्प्रूवमेंट करवाई जाए, ये सारे क्या है हमारे सार्क के ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे सार्क की एस्टेब्लिशमेंट। जो हमारा सार्क है वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट में कब आया, हमारा आया 8 दिसंबर 1985। ठीक है, जो सार्क है वो हमारा 8 दिसंबर 1985 को क्या है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया। एंड जो हमारा हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर हमारा कहाँ, इसका हेडक्वार्टर हमारा काठमांडू जो कि कहा है नेपाल में। ठीक है, ये हमारा हेडक्वार्टर कब बना, हमारा हेडक्वार्टर बना 1987 में। तो इससे पहले हमारा हेडक्वार्टर कौन था सर का, क्या था, सॉरी हमारा इससे पहले हेडक्वार्टर था हमारा ढाका। ठीक है, जो हमारा जो सार्क है, जो हमारा एसोसिएशन है, ये हमारे स्टेब्लिशमेंट के अंदर आई, उस टाइम पे हमारा जो हेडक्वार्टर था सार्क का वो हमारा ढाका था। और ये ढाका हमारा कहाँ है, ये हमारा है बांग्लादेश में। ये हमारा ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में। लेकिन जो अगर हम बात करते 1987 की आफ्टर की बाद की बात करते हैं, तो हमारा जो चेंज होकर जो हमारा हेडक्वार्टर कहाँ बन गया, काठमांडू नेपाल में जो हमारा सार्क का क्या है हेडक्वार्टर बन चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी मेंबर कंट्रीज की। ठीक है, तो इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, इसकी मेंबर कंट्रीज क्या है 8 है। ठीक है, जब हमारा सार्क एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे हमारे सार्क की 7 कंट्रीज थी। क्या हमारी 7 कंट्रीज एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जब सार्क आया उस टाइम पे थी, कौन कौन सी थी हमारी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये जो हमारी 7 कंट्रीज है, फर्स्ट, सेकंड, थ्री, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7, ये हमारी क्या एस्टेब्लिशमेंट के टाइम क्या है सार्क की, ये हमारी कंट्रीज थी। लेकिन जो हमारा अफगानिस्तान है, ये हमारा आया जो हमारा सार्क की 3rd समिट हुई, हमारा कब आया, जो हमारा सार्क की 13th समिट थी उस टाइम पे कब, 2007 में क्या है, जो हमारा अफगानिस्तान इसका 8 मेंबर कंट्री बनी। ठीक, तो आपको पता चल गया है कि हमारे जो सार्क है उसकी मेंबर कंट्री से आप टोटल कितनी करंट में 8 है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारी 7 कंट्रीज क्या है इसकी मेंबर कंट्रीज थी। और जो अफगानिस्तान है वो हमारा कब आया, ये हमारा 2007 में आया था। और उस टाइम पे मीटिंग कौन सी हुई हमारी, 13 सबमिट हुई थी हमारी सार्क की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका लोगो, इसका लोगो क्या है, 2 हैंड्स जॉइनिंग टूगेदर। ठीक है, इसका लोगो क्या हमारा, 2 हैंड्स जॉइनिंग टूगेदर। नेक्स्ट हमारा इसकी सिक्योरिटी जनरल, सिक्योरिटी इसके जनरल कौन है, इसाला रुआना वीरागुन। ठीक है, ये हमारी कौन है, इसकी सेक्रेटरी जनरल है। और ये हमारी कब बनी, ये हमारी 1 मार्च 2020 से लेकर क्या है अब तक हमारी एट प्रेजेंट तक इसाला रुआना वीरागुन इसकी एट प्रेजेंट क्या है सिक्योरिटी जनरल है। इसका स्ट्रक्चर क्या, हमारा स्ट्रक्चर है काउंसिल फर्स्ट लिख, सेकंड हमारा क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, थर्ड हमारा सेक्रेटरी। ये क्या है, जो काउंसिल है इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी हमारी 8 मेंबर कंट्रीज है, जितनी हमारी 8 मेंबर कंट्रीज है उनके जो हेड होते हैं उनको इसके अंदर क्या है लिया जाता है, शामिल किया जाता है। तो हमारी इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का हमारा हेड कौन है, इंडिया का हमारा हेड है हमारा पीएम, हमारा पीएम कौन है एट प्रेजेंट, नरेंद्र मोदी। तो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का हेड कौन हमारा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें क्या आता है, इसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर, इसमें क्या है फॉरेन मिनिस्टर को इंक्लूड किया जाता है, जिनकी क्या है एनुअली क्या है 2 टाइम इनकी मीटिंग होती है, एनुअल में क्या है 2 टाइम इनकी मीटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सेक्रेटरिएट, ये क्या होता है, ये जो हमारे काउंसिल हेड्स ऑफ काउंसिल होता है इनके द्वारा क्या है ये अपॉइंट किए जाते हैं, ये हमारे क्या है जो काउंसिल हमारे उनके द्वारा क्या है अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये था हमारा किसका स्ट्रक्चर, किसका सार्क का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसकी साप्ता, जो हमारा सार्क है वो साप्ता कब बना है, देखो जो हमारी मीटिंग थी इसकी सार्क की, जो हमारी मीटिंग चली थी उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारी मीटिंग हुई 12th मीटिंग, हमारी क्या हुई 12th मीटिंग हुई सार्क की।
साथ की क्या हमारी 12th मीटिंग हुई या फिर सबमिट हुई, आप ये मान सकते हो। ठीक है, तब वो हमारी 2004 में, और कहाँ हुई हमारी, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हमारी क्या कर सबमिट हुई सार की, उसके अंदर क्या देखा गया कि जो हमारा सार है उसको चेंज कर कर क्या हमें एक अलग से बॉडी एस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए, जिसका नाम रखा गया साप्ता, साउथ एशिया साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंदर क्या है जो हमारे साउथ एशिया की नेशन है उनके अंदर जो ट्रेड है वो क्या है फ्री कर दिया जाए। ठीक है, ये क्या रखा था कि जो हमारा साउथ एशिया है उसके अंदर जितने भी नेशन आते हैं उनका जो ट्रेड है वो क्या है फ्री कर दिया जाए। जो हमारा ये 12th समिट था इसके अंदर जो हमारा एम रखा गया वो क्या है कि जो हमारे बैरियर्स है वो क्या है 20% तक जो ट्रेड बैरियर्स है। ठीक है, जो ट्रेड बैरियर्स है उनको क्या है 20% तक रिड्यूस कर दिया जाए। ये हमारा कब बना, 3rd समिट में ये बात हुई कि साप्ता लाने की। लेकिन हमारा जो साप्ता है वो इनफोर्स में कब आया, हमारा इनफोर्स में हमारा आया 1 जनवरी 2006 को, क्या हमारा जो साप्ता बनकर तैयार हुआ। साल से लेकर साप्ता कब बना हमारा, ये हमारा बना 1 जनवरी 2006 को, क्या हमारा साप्ता बनकर तैयार हुआ। साप्ता कब, साप को क्या चेंज करके क्या बना दिया गया, हमारा साप्ता बना दिया गया है। ये हमारा बात कब हुई थी, हमारे साप्ता बनने की बात हुई थी हमारी 2004 में। लेकिन ये इसने काम कब करना शुरू किया, इसने काम करना शुरू किया हमारा 2006 में। और ये जो इसका एम क्या रखा गया कि हमारा जो 2009 है, क्या हमारा 2009 है यहाँ तक क्या हमारे जो ट्रेड बैरियर है वो कम होकर के इतने 20% हो जाने चाहिए। एक और आगे हमारा 2012 तक ये जो बैरियर्स है वो क्या हमारे 0% हो जाने चाहिए। ये क्या इस मीटिंग के अंदर बात की गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट मीटिंग की, फिर ऐसे चलती चलती हमारी क्या है मीटिंग चलती रही। हम बात करते हैं करंट में हमारे जो साप्ता है उसका, उसकी मीटिंग कब हुई और कहां हुई। हमारी इसकी जो लेटेस्ट मीटिंग है वो क्या थी हमारी 19th समिट था इसका, क्या था हमारा जो साप्ता है। ठीक है, जो सार को चेंज करके गया, सार की ट्वेल्थ मीटिंग के हमारा साप्ता बनाया गया, और जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग थी 19th समिट हमारा। ठीक है, 19th समिट हमारा कहाँ होना था, हमारा कहाँ पाकिस्तान में होना था, कहाँ इस्लामाबाद की जगह है, इस्लामाबाद में क्या हमारा 19th मीटिंग होनी थी समिट की। कब होनी थी हमारी, होनी थी नवंबर 2016 में क्या हमारी ये जो समिट है वो पाकिस्तान में होना था, लेकिन ड्यू टू उरी अटैक, ठीक है, क्या हुआ उसी टाइम पे क्या है जो पाकिस्तान है उसने क्या है इंडिया पर क्या है उरी अटैक कर दिया गया, इंडिया पर क्या है उरी अटैक कर दिया, जिससे क्या है जो हमारी इंडिया है उसके बहुत सारे जो सोल्जर्स हमारे जो सैनिक है वो क्या हमारे मारे गए। ठीक है, इसके अंदर उरी के अंदर क्या हुआ था कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक है हमारे, जो हमारी ठीक है सोल्जर्स हैं, उनके ऊपर क्या है उरी अटैक के अंदर क्या है उनको उनके ऊपर बमबारी की गई, उनको मार दिया गया, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे जो सैनिक है वो बहुत सारे क्या है कुछ तो हमारे इंजर्स हुए थे और कुछ क्या हमारे बहुत सारे क्या है डेथ भी हो गई थी, वो मर भी गए थे। तो हमारी इंडिया ने क्या किया, जो नवंबर में होने वाली थी हमारी मीटिंग, इंडिया ने इसका क्या है बहिष्कार कर दिया। इंडिया ने बोला कि हम सार्क की जो 19th मीटिंग है जो कि क्या पाकिस्तान में होने वाली है हम इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, ये इंडिया ने उस टाइम पे बात बोली गई। तो इंडिया को सहमत करते हुए जो बाकी कंट्रीज थी जो नेशन थे उन्होंने क्या बोला कि ठीक है ये बात आपकी सही है, जो पाकिस्तान है वो क्या है इस अटैक के पीछे है। तो बाकी जो जितने भी नेशन थे जो हमारी 8 कंट्रीज थी इन्होंने भी क्या है यहाँ पर आने से मना कर दिया गया, जो 8 कंट्रीज उन्होंने भी इस समिट में क्या है आने से मना कर दिया। तो ये क्या है ये हमारा क्या हुआ ये हमारा कैंसिल हो चुका था। ठीक
ठीक है, जो 19 समिट थी जो पाकिस्तान में होनी थी वो हमारी क्या है कैंसल हो चुकी। लेकिन अगर हम बात करते हैं 20 समिट की, हम सार्क की 20 समिट की बात करते हैं, तो वो अभी तक क्या है, वो पेंडेड है, उसका अभी तक पता नहीं है कि वो हमारी कब होगी और कब नहीं होगी। तो ये हमारी सार की 20 मीटिंग थी जो कि अभी तक पेंडिंग है, अभी पता नहीं है कब होगी और कब नहीं होगी हमारी मीटिंग। 19 मीटिंग हमारी क्या है कैंसिल कर दी गई थी। उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले हमारी 12th मीटिंग में क्या हुआ था, जो हमारा सप्ताह बना दिया गया था सार को चेंज करके। एंड 13 जो हुई थी उसमें क्या अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान को एड कर दिया गया था 2017। तो ये हमारी सार की टोटल हमने अब तक क्या की सबमिट की, अभी तक हमारी कितनी जो मीटिंग है जो साल की अभी तक हुई है वो की, और हमने इसकी मेंबर्स इसकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ा। तो ये हमारा ऑल अबाउट क्या था, हमारा साल के बारे में था। तो थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।